पर चर्चाएं चल रही हैं। मुझे खुशी है कि आज रक्षा मंत्रालय के वेबिनार में भाग ले रहे सभी पार्टनर्स, स्टेक होल्डर से मिलने का अवसर मिला है। मेरी तरफ से आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। भारत रक्षा क्षेत्र में कैसे आत्मनिर्भर बने, इस संदर्भ में आज का ये संवाद मेरी दृष्टि से बहुत अहम है। बजट के बाद डिफेंस सेक्टर में क्या नई संभावनाएं बनी हैं, हमारी आगे की दिशा क्या हो, इस बारे में जानकारी और मंथन दोनों जरूरी है। जहां हमारे वीर जांबाज ट्रेनिंग लेते हैं, वहां हम अक्सर कुछ ऐसा लिखा हुआ देखते हैं कि शांति काल में बहाया हुआ पसीना युद्ध काल में रक्त बहने से बचाता है। यानी शांति की प्री कंडीशन है वीरता, वीरता की प्री कंडीशन है सामर्थ्य, और सामर्थ्य की प्री कंडीशन है पहले से की गई तैयारी, और बाकी सब उसके बाद आते हैं। हमारे यहां ये भी कहा गया है, सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। साथियों, हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने का भारत के पास सदियों पुराना अनुभव है। आजादी के पहले हमारे यहां सैकड़ों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थी। दोनों विश्व युद्धों में भारत से बड़े पैमाने पर हथियार बनाकर भेजे गए थे, लेकिन आजादी के बाद अनेक वजहों से इस व्यवस्था को उतना मजबूत नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए था। हालत यह है कि स्मॉल आर्म्स के लिए भी हमें दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता है। आज भारत विश्व के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स में से है, और ये कोई बड़े गौरव की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों में टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों में सामर्थ्य नहीं है। आप देखिए, जब कोरोना शुरू हुआ तब भारत एक भी वेंटिलेटर नहीं बनाता था। आज भारत हजारों वेंटिलेटर का निर्माण कर रहा है। मंगल तक पहुंचने की क्षमता रखने वाला भारत आधुनिक हथियार भी बना सकता था, लेकिन बाहर से हथियार मंगाना बहुत इजी वे हो गया था। और मनुष्य का स्वभाव भी ऐसा ही है कि जो जो सरल है वो आसानी से जो मिलता है, चलो भाई उसी रास्ते पर चल पड़ो। आप भी आज अपने घर जाकर के अगर गिनेंगे तो पाएंगे कि जाने अनजाने ऐसी कितनी ही विदेशी चीजों का आप बरसों से इस्तेमाल कर रहे हैं। डिफेंस के साथ भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन अब आज का भारत इस स्थिति को बदलने के लिए कमर कस के काम कर रहा है। अब भारत अपनी कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को तेज गति से बढ़ाने में जुटा है। एक समय था जब हमारे अपने लड़ाकू विमान तेजस को फाइलों में बंद करने की नौबत आ गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने अपने इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तेजस की क्षमताओं पर भरोसा किया
और आज तेजस शान से आसमान में उड़ान भर रहा है। कुछ सप्ताह पहले ही तेजस के लिए 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया है। कितने एमएसएमई सेक्टर जो इसके साथ जुड़ेंगे, कितना बड़ा कारोबार होगा। हमारे जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता था। आज हम ना सिर्फ भारत में ही अपने लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स बना रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों को भी सप्लाई करने के लिए अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। साथियों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का गठन होने से प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, ट्रायल एंड टेस्टिंग, उपकरणों के इंडक्शन, सर्विसेज की प्रक्रियाओं में यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत सरल हो गया है और हमारे सभी डिफेंस फोर्स के सभी तीनों विंग के सहयोग से ये काम बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। इस साल के बजट में सेना के आधुनिकीकरण की एक प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। करीब 1.5 दशक बाद डिफेंस सेक्टर में कैपिटल आउटले में 19% की बढ़ोतरी की गई है। आजादी के बाद पहली बार डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर इतना जोर दिया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने के लिए, उनके लिए काम करना और आसान बनाने के लिए सरकार उनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल दे रही है। साथियों, मैं डिफेंस सेक्टर में आ रहे प्राइवेट सेक्टर की एक चिंता भी समझता हूं। अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टर्स के मुकाबले डिफेंस सेक्टर में सरकार का दखल कई गुना ज्यादा है। सरकार ही एकमात्र बायर है, सरकार स्वयं मैन्युफैक्चरर भी है और सरकार की अनुमति के बिना एक्सपोर्ट करना भी मुश्किल है। और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि यह सेक्टर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। लेकिन साथ ही प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी के बिना 21वीं सदी का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा नहीं हो सकता, यह भी मैं तो भली भांति समझता हूं और अब सरकार के सभी अंग भी समझ रहे हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि 2014 से ही हमारा प्रयास रहा है कि ट्रांसपेरेंसी, प्रिडिक्टेबिलिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ हम इस सेक्टर में लगातार एक के बाद एक कदम उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। डी लाइसेंसिंग, डी रेगुलेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन, ऐसे अनेक उपायों के साथ हमने इस सेक्टर में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि मुझे इन सारे प्रयासों के लिए सबसे ज्यादा सहयोग, सबसे ज्यादा मदद यूनिफॉर्म फोर्सेस की लीडरशिप से मिली है। वे भी एक प्रकार से इस बात को बल दे रहे हैं, इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, जब डिफेंस फोर्स का यूनिफॉर्म पहना हुआ व्यक्ति वो जब इस बात को कहता है ना, तब उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि जो यूनिफॉर्म पहन करके खड़ा है उसके लिए तो जीवन और मृत्यु का जंग होता है। वो अपना जीवन संकट में डालकर देश की रक्षा करता हो और वो जब आत्मनिर्भर भारत के लिए आगे आया हो तो कितना सकारात्मक और उत्साह से भरा हुआ वातावरण होगा, इसकी आप भली भांति कल्पना कर सकते हैं।
आप ये भी जानते हैं कि भारत ने डिफेंस से जुड़े ऐसे 100 महत्वपूर्ण डिफेंस आइटम्स की लिस्ट बनाई है, जिसे नेगेटिव लिस्ट कहते हैं, जिन्हें हम अपनी स्थानीय इंडस्ट्री की मदद से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसलिए टाइमलाइन इसलिए रखी गई है ताकि हमारी इंडस्ट्री जरूरतों का पूरा करने का सामर्थ्य हासिल करने के लिए प्लान कर सके। सरकारी भाषा में ये नेगेटिव लिस्ट है, लेकिन मैं इसको जरा अलग तरीके से देखता हूं। जिसको दुनिया नेगेटिव लिस्ट के नाम से जानती है, मेरी दृष्टि से ये आत्मनिर्भरता की भाषा में पॉजिटिव लिस्ट है। ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जिसके बल पर हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है। ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जो भारत में ही रोजगार निर्माण का काम करेगी। ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जो अपनी रक्षा जरूरतों के लिए हमारी विदेशों पर निर्भरता को कम करने वाली है। ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जिसकी वजह से भारत में बने प्रोडक्ट्स की भारत में बिकने की गारंटी भी है। और ये वो चीजें हैं जो भारत की आवश्यकता के अनुसार, हमारे क्लाइमेट के अनुसार, हमारे लोगों के स्वभाव के अनुसार निरंतर इनोवेशन होने की संभावना इसके अंदर अपने आप समाहित है। चाहे हमारी सेना हो या फिर हमारा आर्थिक भविष्य, ये हमारे लिए एक प्रकार से पॉजिटिव लिस्ट ही है, और वो आपके लिए तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। और मैं आज इस बैठक में आप सभी को ये भरोसा देता हूं कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हर वो सामान जिसे डिजाइन करने, जिसे बनाने का सामर्थ्य देश में है, किसी सरकारी या प्राइवेट कंपनी में है, वो बाहर से लाने की अप्रोच नहीं रखी जाएगी। आपने देखा होगा रक्षा के कैपिटल बजट में भी डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए एक हिस्सा रिजर्व कर दिया गया है। ये भी हमारा एक नया इनिशिएटिव है। ये प्राइवेट सेक्टर से आग्रह करूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डिजाइन और डेवलपमेंट में भी आप आगे आए। भारत का विश्व भर में परचम लहराएं, मौका है, जाने मत दीजिए। इंडिजीनियस डिजाइन और डेवलपमेंट के क्षेत्र में डीआरडीओ का अनुभव भी देश के प्राइवेट सेक्टर को लेना चाहिए। इसमें नियम कायदे आड़े ना आए, इसके लिए डीआरडीओ में बहुत तेजी से रिफॉर्म भी किए जा रहे हैं। अब प्रोजेक्ट्स की शुरुआत में ही प्राइवेट सेक्टर को शामिल कर लिया जाएगा। साथियों, दुनिया के अनेक छोटे छोटे देश पहले कभी अपनी सुरक्षा के लिए इतनी चिंता नहीं करते थे, लेकिन बदलते हुए वैश्विक माहौल ने, नई चुनौतियां सामने आने के कारण अब ऐसे छोटे छोटे देशों को भी अपनी सुरक्षा के लिए चिंता करनी पड़ रही है। सुरक्षा उनके लिए भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा है। ये बहुत स्वाभाविक है, ऐसे छोटे और गरीब देश अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए स्वाभाविक रूप से भारत की तरफ देखेंगे, क्योंकि हम लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की ताकत रखते हैं, हम क्वालिटी प्रोडक्ट की ताकत रखते हैं। सिर्फ आगे बढ़ने की जरूरत है। इन देशों की सहायता करने में भी भारत की बड़ी भूमिका है। भारत के विकसित होते डिफेंस सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका भी है, बहुत बड़े अवसर भी है। आज हम 40 से ज्यादा देशों को डिफेंस का सामान निर्यात कर रहे हैं। इंपोर्ट पर निर्भर देश की पहचान से बाहर निकलकर हमें दुनिया के अग्रणी डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में अपनी पहचान बनानी है, और आपको साथ लेकर के
इस पहचान को मजबूत करना है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि एक हेल्दी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए बड़े उद्योगों के साथ ही छोटी और मध्यम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बहुत जरूरी है, उसका पूरा जाल बिछाना पड़ता है। हमारे स्टार्टअप्स बदलते समय के साथ तेजी से बदलाव करने के लिए जरूरी इनोवेशन हमें दे रहे हैं, हमारी रक्षा तैयारियों में हमें आगे रख रहे हैं। एमएसएमईज तो पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए रीढ़ का काम करती है। आज जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं उससे एमएसएमईज को ज्यादा आजादी मिल रही है, उनको एक्सपांड करने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। ये एमएसएमईज मीडियम हो या बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, हर कोई एक दूसरे को मदद करते हैं, जो पूरे इकोसिस्टम में फायर पावर ऐड करते हैं। ये नई सोच और नई अप्रोच हमारे देश के नौजवानों के लिए भी बहुत अहम है। आईडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म हमारी स्टार्टअप कंपनीज और युवा एंटरप्रेन्योर्स को इस दिशा में प्रोत्साहित कर रही हैं। देश में आज जो डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं वो भी स्थानीय उद्यमियों, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को मदद करेंगे। यानी आज हमारे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को हमें जवान भी और नौजवान भी इन दोनों मोर्चों के सशक्तिकरण के रूप में देखना होगा। साथियों, एक समय था जब देश की सुरक्षा जल थल और नभ की सुरक्षा से ही संबंधित थी। अब सुरक्षा का दायरा जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ गया है और इसकी बहुत बड़ी वजह आतंकवाद जैसे हथकंडे हैं। इसी तरह साइबर अटैक एक ऐसा नया मोर्चा खुल गया है जिसने सुरक्षा का पूरा आयाम ही बदल दिया है। एक जमाना था जब सुरक्षा के लिए बड़े बड़े हथियार मंगाने होते थे, अब एक छोटे से कमरे में छोटे से कंप्यूटर से भी देश की सुरक्षा का एक पहलू संभालना पड़े, ऐसी स्थिति बन चुकी है। और इसलिए हमें परंपरागत डिफेंस आइटम के साथ ही 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और उस टेक्नोलॉजी ड्रिवेन आवश्यकताओं को देखते हुए ही हमें एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ काम करना होगा और इन्वेस्टमेंट अभी करना होगा। इसलिए आज ये भी जरूरी है कि हमारे उच्च शिक्षा वाले संस्थानों में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में, हमारे एकेडमिक वर्ल्ड में डिफेंस से जुड़े, डिफेंस स्किल से जुड़े कोर्सेज पर भी, स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, रिसर्च और इनोवेशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इन कोर्सेज को भारत की आवश्यकता के मुताबिक डिजाइन करना समय की मांग है। इसलिए परंपरागत डिफेंस के लिए जैसे एक यूनिफॉर्म वाला फौजी होता है, वैसे ही हमें एकेडमिक वर्ल्ड वाले, रिसर्च करने वाले सुरक्षा एक्सपर्ट को भी देखना होगा। हमें इस आवश्यकता को समझते हुए भी कदम उठाने होंगे। मुझे उम्मीद है अब आप लोग इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। साथियों, मैं रक्षा मंत्रालय और आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आज की चर्चा के आधार पर एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान और एक परफेक्ट रोड मैप बनाया जाए और उसे सरकार और प्राइवेट दोनों की भागीदारी से इंप्लीमेंट किया जाए। आपकी चर्चा, आपके सुझाव देश के रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, इसी कामना के साथ मैं आज के वेबिनार के लिए
आपके उत्तम विचारों के लिए और देश को सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।